नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विदिशा शांडिल्या। छत्तीसगढ़ के भिलाई में पूर्व मंत्री व भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे ने समाचार एक्सप्रेस के संवाददाता राशिद जमाल सिद्दीकी से खास बातचीत की। उन्होंने विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने दुर्ग जिले में कानून व्यवस्था पर अपनी राय भी दी। उन्होंने कहा कि दुर्ग जिले में मुख्यमंत्री सहित 4 मंत्री हैं और 5वें अकबर भाई भी प्रभावी हैं। उसके बाद भी कानून व्यवस्था खराब है, बच्चियों को जलाकर मारा जा रहा है। दुर्ग जिले में ही 2 साल में 4 एसपी व 3 कलेक्टर बदल गए। किसानों के पूरे धान की खरीदी नहीं की जा रही है, रकबे में कटौती की जा रही है। पिछले साल के धान खरीदी का पैसा और बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। 56,000 पुलिस की भर्ती नहीं हुई है, शिक्षकों की भर्ती भी नहीं हुई है। गोबर खरीदी में भ्रष्टाचार हो रहा है। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर उन्होंने कहा कि पत्रकार व सभी के लिए सुरक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून लागू करने की बात कही थी, जो अब तक लागू नहीं हुआ। कांग्रेस अपने खिलाफ आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाती। सरकार आर्थिक रूप से दिवालिया हो गई है। भिलाई से संवाददाता राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। लास्ट चाहिए भाजपा विपक्ष में सरकार में रह के क्या क्या मुद्दों को घेरने की तैयारी में है, कुछ खास? देखिए, यहाँ तो मुद्दे बहुत है। देखिए, पिछले 2 सालों में चाहे आप लाइन ऑर्डर का ले लें, आप हत्याएं ले लें, लूट ले लें, बलात्कार ले लें, पहली बार हो रहा है जहाँ बच्चियों को बलात्कार तक की तो आप सुनते थे, व्यक्तिगत दुश्मनी में जला के मारा गया है। इसी भिलाई में मारा गया, दुर्ग जिले के बेरला में मारा गया। ऐसी ऐसी जो विभत्स घटनाएं हो रही हैं, पुलिस अब इस दुर्ग जिले में ही 2 साल में 4 एसपी बदल गए। अब आप सोचो क्या प्रशासन चलेगा। 3 कलेक्टर बदल गए। जिस जिले में मुख्यमंत्री सहित 5-5 मंत्री हों, 4 मंत्री हैं और एक प्रभारी मंत्री, वो भी प्रभावी हैं, मोहम्मद अकबर जी, और बाकी यहाँ और 2 भाई भी ऐसे हैं जो मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री से सुपर हैं, ऐसा कांग्रेस के लोग बोलते हैं। उसके बावजूद जो है यहाँ की स्थिति रोज़ ख़राब है। पूरे प्रदेश में किसान हाहाकार मचाया हुआ है। किसानों के धान नहीं खरीदे जा रहे हैं, उनके रकबे काटे जा रहे हैं। अभी जो पहला किस्त था, पहली बार जो धान बोया गया था, उसकी 3री किस्त मिलने वाली है बोनस का, और दूसरी बार धान कटने वाला 4थी किस्त कब आएगी, इनका धान का पहले का कब आएगा, ऐसा चलते चलते तो किसान अलग परेशान है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता की बात करते थे, वो इन्होंने नहीं दिया। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस वालों को नियमित करने की बात उनने नहीं किया। 56,000 जो पुलिस वाले थे उनकी भर्ती थी, वो कैंसिल कर दिया। शिक्षक भर्ती हो करके इंटरव्यू दे के सेलेक्शन के लिए तैयार बैठे हैं, उनकी नियुक्ति पत्र नहीं मिल रही है। आर्थिक दृष्टि से दिवालिया हो चुका है सारे जगह, और ये नरवा गरवा गुरुआ के नाम पर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोग लूट रहे हैं, सारे जगह गोठान बने हैं, जानवर नहीं है। गोबर खरीदी में भ्रष्टाचार होने लगा, आज भी रात के रोडों पे आने की वैसी नजर आ रही है। गोबर खरीदी में भ्रष्टाचार हो रहा है, इनके कलेक्टर लोग खुद छापा मार करके और ये कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार हो, चाहे लाइन ऑर्डर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, डेवलपमेंट 0 है, कर्जा में डूबाते जा रहे हैं, तो मुद्दे तो बहुत हैं और सारे मुद्दों को लेकर के बात घेरा जाएगा। विपक्ष का काम है। अब लास्ट है, मैं पंडित जी, चूंकि काफ़ी गहरी चिंतक वाली ये बात है कि पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए आज लगभग 20 साल से पत्रकार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, कई बार हम भी मिले उनसे पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए। आज देश में, मैं खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं करता, पूरे देश की बात करता हूँ पत्रकारों की, कि उनकी सुरक्षा नहीं, बहुत जगह पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया है, बहुत जगह पत्रकारों का मर्डर हुआ है, आपके छत्तीसगढ़ में भी मर्डर हुआ है, पत्रकारों का 2-3 मर्डर हुए हैं। अभी लेटेस्ट में कमल शुक्ला काकी है,
जो एक वरिष्ठ पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार है, जिसके साथ बहुत ही अन्याय किया गया और पुलिस द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, हॉस्पिटल में एडमिट था। तो पत्रकार के लिए क्या देश में हर चीज़ का एक कानून बना है, तो पत्रकारों के लिए ऐसा क्यों कि उनको पत्रकार सुरक्षा कानून क्यों नहीं दिया जा रहा, वजह क्या है इसकी? देखिए, पत्रकार हो या आम आदमी, सबके लिए सुरक्षा महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस की, यहाँ की सरकार ने तो घोषणा किया था अपने घोषणा पत्र में कि हम पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे, और पत्रकारों का सुरक्षा ऐसा किया कि कांकेर में कमल शुक्ला की पिटाई करवा डाले, और पिटाई करने वाले कांग्रेसी, कोई केस नहीं हुआ, वहाँ कितने आंदोलन हुए, सारे हुए। ये कांग्रेस हमेशा जहाँ जहाँ पे रहती है, आप देख लो, कांग्रेस समर्थित अभी जो बॉम्बे में सरकार है, अभी नेशनल टीवी जो है आर भारत वाले, उसके खिलाफ कमिश्नर कैसा प्रताड़ना वहाँ चालू हुआ। तो लोकतंत्र विरोधी सोच की जो मानसिकता रखने वाले लोग हैं, जो अपने कार्यों की आलोचना को व्यक्तिगत आलोचना के रूप में स्वीकारने वाले लोग हैं, वे कभी भी पत्रकार हो या कोई भी आलोचक, उसका सम्मान नहीं करेंगे, उसकी सुरक्षा को और ज़्यादा कैसे उसको टेररिज करें, टेररिज करके अपने अनुसार चलाने की प्रवृत्ति इनकी रही है। आज से नहीं, हम लोग पिछले 4 दशकों में देख रहे हैं, तो जैसा बांस था, बांस का कुपड़ भी वैसे ही होगा। मैं तो, भाजपा की सरकार थी रमन सिंह, उस टाइम 3 मर्डर हुए पत्रकारों के, मर्डर हुए होंगे, मैं जो उस टाइम से भी सरकारी चल रही है। सरकारी आतंक की जहाँ तक बात है, मैं बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस की सरकार में देश बंधु के अपने पंडित जी जो थे, उनके साथ हुआ मारपीट, और करने वाले मतलब करवाने वाले उस चीज़ के हैं। मैं क्या बोलूँ, पत्रकार को भी सुरक्षा मिलना चाहिए, किसी भी आलोचक को, अगर जो आलोचना कर रहा है वो आपके कार्यों के बारे में बोल रहा है, किसी को भी वो सारे सुरक्षाएँ IPC CRPC सबके लिए है। एक अतिरिक्त जो है ये पत्रकार के लिए शायद बनाने में ये हो सकता है कि आप जो प्रदेश के अधिमान्य पत्रकार हैं उनको उसमें रखेंगे या इसमें भी, लेकिन सुरक्षा तो सबके लिए ज़रूरी है, पत्रकार ही क्यों नहीं, आम लोग भी आते हैं उसमें। सब सब बहुत अच्छा लगा। आज हम माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह गए हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेताओं में आपकी गिनती होती है, आज उनके साथ उनके बंगले पे एक ख़ास मुलाकात करने बैठे थे, और मैं पांडे जी को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.